हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल बोले तो कुछ वक्त में रिलीज होने जा रही बॉलीवुड की अपकमिंग गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बच्चन पांडे को लेकर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। वेल आपको पता है यार, फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है काफ़ी वक्त पहले। ट्रेलर एकदम बोलते ना फाड़ू है यार। उसके बाद जो सॉन्ग्स आए एक से बढ़कर एक, ब्रिलियंट, अनबिलीवेबल। जितनी तारीफ की जाए फिल्म की कम होगी। यकीन मानिए ये एक नेक्स्ट लेवल फिल्म होगी जिसके अंदर आपको नजर आएंगे अक्षय कुमार बतौर गैंगस्टर। तो यार फिल्म का क्रेज तो है, जो बात है कहनी पड़ेगी। लीडिंग में नजर आ रहे हैं बॉलीवुड एक्टर, खिलाड़ी भैया एक्टर यानी कि अक्षय कुमार यार। इनके अपोजिट कृति सैनन और जैकलिन फर्नांडिस नजर आ रही है, पंकज त्रिपाठी और अरशद वारसी। डायरेक्शन दिया है फरहाद सामजी ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नडेवाला एंड सन्स ने। अब बात करें अब फिल्म को लेकर, तो मुझे लगता है इसका क्रेज कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी ओपनिंग ले लेगी। यहाँ पर इसका बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, 150 करोड़ प्लस एक्चुअल में। तो ये फिल्म आसानी से 150 करोड़ की कवरेज आसानी से पहले 4 दिनों में कर लेगी, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि जो फिल्म है बच्चन पांडे कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, इसको पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या नेगेटिव? आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, अपडेट जानने के लिए ऐसे ही। और चुनिंदा, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।